हाय गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इज़ पूजा वेलकम टू आर लाफ यू टुडे बैक विथ एन इंटरेस्टिंग एज वेल एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिम्फ और लिम्फैटिक सिस्टम आज हम सभी लोग देखेंगे लिम्फैटिक सिस्टम कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है किस तरीके से फैट्स को एटीपोज टिश्यू तक ड्रॉ करता है एज वेल एज किस तरीके से हमारे इंस्टेस्ट इंटेस्टाइन के लूमेंट से फैट को कैरी करता है क्लियर सो लेट्स नाउ लिम्फ लिम्फ इट इज़ अ सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूड जो लिम्फ है एक, -एक सेकेंडरी टाइप का या हमारा सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक है प्राइमरी प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने ब्लड को पढ़ा था जो कि वह एक बॉडी फ्लूड था क्लियर जो लिम्फ है यह सेकेंडरी टाइप का बॉडी फ्लूड है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूड विच इज प्रोवाइड और रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स लिम्फ इज आ कलरलेस फ्लूड कॉन्टेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स फिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ठीक है जो लिम्फ है ये कलरलेस है एक फ्लूड जो स्पेशल स्पेशलाइज्ड है मेनली लिम्फोसाइट्स के लिए और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स या फिर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं टी हेल्पर सेल्स टी साइटोटॉक्सेंस और टी सप्रेसर सेल्स ये सभी हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है तो जो लिम्फ है ये जैसे फैट को तो ड्रॉ करता ही है कैरी करता ही है साथ साथ में हमारी बॉडी को इम्यूनिटी में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है क्लियर नाउ फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई इंटेस्टाइनल विलाई अभी इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि जो लिम्फ है उसको किस तरीके से लिम्फैटिक बेसल्स एब्जॉर्व करती हैं और किस तरीके से उसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं अब सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि लिम्फैटिक सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स या स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो फर्स्ट इज़ द कंसिस्ट ऑफ लिम्फ और टिश्यू फ्लूड सेकेंड लिम्फैटिक बेसल्स होती हैं और लिम्फेटिक कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स और नोड जिन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं यहाँ पर एक हार्ट की स्ट्रक्चर बनाया है ठीक right है right auricle, right ये राइट चैम्बर हैं राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है तो यहाँ से जब आयोरटा प्योर ब्लड लेकर आती है तो ब्लड के साथ क्या होता है जो प्योर ब्लड होता है दैट मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके पास ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और सी ओ टू का अमाउंट कम होता है ये आर्टरीज जो हैं ये आर्ट्रियोल्स फिर आर्टरीज में ब्रेक डाउन होती हैं फिर आर्टरीज़ के बाद ये आर्ट्रियोल्स में ब्रेक डाउन होती हैं और आर्टिल्स के बाद ये बहुत सारी कैपलरीज़ में टूट जाती हैं ठीक है थीके? कैपिलरीज में आने पर क्या होता है कि कैपलरीज़ की जो जो इंडोथीलियल मेम्ब्रेन होती हैं वो वहाँ से गैस का एक्सचेंज इजिली हो पाता है ठीक है तो जो ये ब्लड आ रहा था यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन को यहाँ पर टिश्यू तक डोनेट करेगा तो जब टिश्यू तक डोनेट करेगा तो जो यहाँ पर यह टिश्यू हैं टिश्यू की जो ये सेल्स प्रजेंट हैं ठीक है थीके? इसके बीच में क्या होता है टिश्यू फ्लूड भरा हुआ होता है ठीक है टिश्यू फ्लूड होता है जिसे हम इंटर स्टीसील फ्लूड कहते हैं तो ब्लड से ब्लड की जो आर थी ये तो यहाँ से आ, आ, सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड को आ, ले लेंगी और फिर इसको रिटर्न हार्ट तक लेकर जाएंगी हार्ट से फिर लंग में चला जाएगा और लंग से जब हम एक्सपायर करेंगे ठीक है मतलब ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे तो उसके साथ सी ओ टू को बाहर पास आउट कर देंगे क्लियर तो जो यहाँ पर फ्लूड डायबिटिसिस हो जाता है कल हमने बताया था कि डायाबिटिसिस की प्रोसेस वो कैसे होती है ठीक है तो क्या होता है कि यहाँ से इसको प्लाज्मा आता है ठीक है और जो यहाँ पर टिश्यू का फ्लूड था तो प्लाज्मा और टिश्यू फलूड मिलकर ही लिम्फ बनाते हैं ठीक है प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूड मिलकर ही लिम्फ़ बनाते हैं लिम्फ को हम इंटर स्टीसियल फ्लूड कहते हैं और हम इसे मिडिल मैन भी कहते हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन यहाँ से आती है सेल तक ठीक है या अदर कोई न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ अदर जो ऑक्सीजन आती हैं वो जब सेल्स वो तक जाती हैं तो टिश्यू फ्लूड से होते हुए जाती हैं ठीक है थीके? तो प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूड को हम लिम्फ कहते हैं या फिर इसे हम मिडल मैन भी कहते हैं क्लियर आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है ठीक है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट हैं सो लेट्स नाउ लिम्फ लिम्फ क्या है जो ब्लड हमारा है उस ब्लड से अगर आर और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचेगा वो बचेगा प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स तो जो प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स हैं इन्हीं को हम लिम्फ कहते हैं लिम्फोसाइट्स क्या हैं लिम्फोसाइट्स डब्लू का पार्ट है ठीक है लिम्फोसाइट सेल्स क्या है डब्लू का पार्ट है कल पढ़ाया था ल्यूकोसाइट्स के बारे में ठीक है लिम्फ इज कलेक्टेड बाय अ लिम्फैटिक कैपिलरीज ठीक है और जो लिम्फ होता है उसको लिम्फैटिक कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट करके लिम्फैटिक कैपिलरीज में उसको फ्लो किया जाता है मतलब वो लिफेटिक कैपिलरी में फ्लो करता है ठीक है लिम्फ और ब्लड दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं तो जो जिन कैपलरीज़ में या जिन आर्टरीज़ में लिम फ्लो करता है उसमें ब्लड फ्लो नहीं करता ऐसी कैपलरीज़ को या आर्टरी को हम लिम्फेटिक आर्टरी या लिम्फेटिक कैपलरीज कहते हैं यहाँ पर हमने एक इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बनाई है ठीक है इसका ट्रांसक्शन बनाया है इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन में फोर लेयर्स होती हैं फर्स्ट सिरोसा जो कि बाहर की तरफ होती है ठीक है मान लीजिए कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है या फिर ये इंटेस्टाइन है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ एब्जॉर्वेशन न्यूट्रिएंट्स और फैट का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो मान लीजिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है इसका जो हमने टी एस लिया तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले जिसमें फोर लेयर्स हैं फर्स्ट जो आउटर की तरफ है ठीक है आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है सिरोसा सेकेंड मस्क्यूलिस और थर्ड जो है वो साम्यूक्योसा और फोर्थ जो हमारी है वो म्यूकोसा है ठीक है और म्यूकोसा के बाद ये जो पार्ट है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो लूमेन में स्टोर हैं अब लूमेन में तो स्टोर नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी जब चाहिए तो हमारी सेल्स को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तब ये लूमिन से न्यूट्रिएंट्स जो हम अलग अलग हमारी टिश्यूज़ के सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचना होता है तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू तो पहुँच जाते हैं लेकिन लाइक जो फैट्स हैं ठीक है ठीके? जो फैट्स हैं या जो ग्लोब्यूल्स uh, फैट होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट्स होते हैं जिन्हें हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में इंटर नहीं कर पाते हैं ठीक है सम यूक्योसा में ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है उनमें इंटर नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि जो फैट होता है वो एम्फीपैथिक होता है क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है वो इज़ली ब्लड के साथ फ्लो नहीं कर सकता ठीक है तो क्या होगा कि फ़ैट के चारों तरफ जो फ़ैट है हम जब बायोमालिक्यूल्स पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे वहाँ पर कि फ़ैट फैट किस तरीके से बनता है फ़ैट की केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं क्लियर और जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब वहाँ भी बताएंगे कि ये जो फैट एब्जॉर्बसन और फ़ैट का एसिमिलेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है ठीक तो जो फैट का ग्लोब्यूल्स यहाँ पर आया वो तो ऐसे इजीली पास नहीं हो सकता तो उसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन कोट बना लेती हैं जो वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वो कोट बना लेती हैं जिससे एक लार्ज पार्टिकल्स बन जाता है फैट का जिसे अब हम काइलो माइक्रॉन कहते हैं ठीक क्या कहते हैं काइलो माइक्रॉन अब कायलो माइक्रॉन इन जो बेसल्स हैं या फिर जो आ, कैपलरीज हैं इनके थ्रू एडिपोज टिश्यूज तक या रिक्वायरमेंट सेल्स तक वो फैट जाएगा तो ऐसी बेसल्स या कैपलरीज जिनमें से काइलोमाइक्रॉन जाता है कायलोम विकास वाइट होता है इसलिए हम इन्हें लैक्टियल सेल्स भी कहते हैं ठीक है ठीके? लैक्टियल बेसल्स भी कहते हैं या फिर हम उन्हें लैम्फेटिक बेसल्स कहते हैं क्लियर और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है लाइक ग्लूकोज है एसिड्स हैं या फिर अदर कोई एनर्जी सोर्स जो हैं वो सभी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी अलग अलग सेल्स तक पहुंचा दिए जाएंगे तो ब्लड जो जिस बेसल्स में फ्लो होगा उसे हम ब्लड बेसल्स कहेंगे क्लियर अब देखते हैं कि लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फैटिक ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं तो लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फैटिक सिस्टम में दो तरीके के ऑर्गन होते हैं प्राइमरी लिम्फॉटिक ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉटिक ऑर्गन जो प्राइमरी लिफोइटिक ऑर्गन हैं वो टू टाइप्स के हैं फर्स्ट बोन मैरो एंड सेकेंड थाइमस जो बोन मेरो हैं ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती हैं वो भी कौन सी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्लियर प्रोड्यूस तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के थ्रू होती हैं बट जो थाइमस है ये भी हमारा एक लिम्फेटिक आर्गन है यहाँ पर टी सेल्स आकर मेच्योर होती हैं क्लियर और बी लिम्फोसाइड ये बोन मैरो में ही मेच्योर होती हैं बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती हैं और बोन मैरो में ही मेच्योर होती हैं क्लियर और जो सेकेंडरी लिम्फॉइटिंग आर्गन है इसमें हमारे स्प्लिन आती है टॉन्सिल्स एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइटिक टिश्यू ठीक है ये माल्ट जिसे हम कहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस पेज से भी बन सकते हैं ठीक है आपसे पूछा जा सकता है कि बोन और बोन मैरो और जो थाइमस है ये प्राइमरी लिम्फॉटिक आर्गन है या फिर सेकेंडरी लिम्फॉटिक आर्गन है और स्प्लीन टॉन्सिल्स मॉल्ट और पेयर पैचेस जो कि इंटेस्टिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये भी हमारे सेकेंडरी लिम्फॉटिक आर्गन है तो ये भी पूछा जा सकता है ये प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी लिम्फॉटिक आर्गन है और आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं और कहाँ पर मेच्योर होती हैं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये थ्री टाइप्स की हैं टी हेल्पोर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिन सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स ठीक है ये टी साइटोटॉक्सिन तो ये क्या है? ये करती हैं ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और जो बी बीलिम्फोसाइट हैं ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि लिम्फ क्या है ठीक है और लिम्फैटिक सिस्टम कितने तरीके का है और लिम्फैटिक जो बेसल्स होती हैं उन्हें लैक्टिव बेसल्स क्यों कहते हैं काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी तो आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग देन बाय बाय टेक केयर